हेलो डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स ऑफ द रे मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स कॉलर में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जी हां दोस्तों आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट किसे कहा जाता है तो आइए शुरुआत करते हैं वॉट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कहा जा रहा है द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट अफेक्टेड बाय अ चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम और आउटपुट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में कहा जाता है कि ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होता मतलब बिल्कुल प्रभावित नहीं होता अगर इनकम या आउटपुट में किसी तरीके का कोई चेंज आए कोई परिवर्तन आए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जब इनकम और आउटपुट में चेंज होता है कोई भी चेंज आता है तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे ठीक है आप बात समझ रहे हैं आगे कहा गया है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट ये दूसरी डेफिनेशन है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज द कैपिटल इन्वेस्टमेंट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शिफ्ट्स। दिस मीन एनी चेंज इन ऑफ़ रॉ मटेरियल और एनी चेंज इन सैलरी एंड वेजेस ऑफ लेबर एक्सेट्रा हैज नो इफेक्ट ऑन द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के बारे में जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये बताती है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो है वो एक तरीके का कैपिटल इन्वेस्टमेंट है जो इकोनॉमी के शिफ्ट से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है मतलब इकोनॉमी में रिसेशन आए बूम पीरियड आए डिप्रेशन आए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका मतलब यह है कि कोई भी चेंज आएगा अगर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल में या सैलरी या वेजेस या लेबर के चार्जेस में किसी भी तरीके का उसका ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है तो ये था हमारा ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट आगे इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे यहां पे कहा जा रहा है कि जनरली दीज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बिल्डिंग्स फ्लाईओवर्स एंड एक्सेट्रा इन्होंने कहा कि जनरली होता क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है वो गवर्नमेंट करती है रोड के कंस्ट्रक्शन को करके बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को करके अभी आपको मालूम है हमारा एक नया पार्लियामेंट बन रहा है ठीक है वो एक बिल्डिंग बन रही है साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपए की तो ये गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करा रही है ठीक है देश के अंदर कोरोना आया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता देखिए आप इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा लेकिन एक बात कह रहे हैं कि देश के अंदर कोरोना है रिसेशन है लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है लेकिन उसके बावजूद देश में एक तरीके का रिसेशन पीरियड चल रहा है उसके बावजूद गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करवा रही है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा रही है तो वही एग्जाम्पल है बिल्डिंग फ्लाईओवर्स बनवा रही है गवर्नमेंट जो भी बनवाती है एसेट्रा तो ये सारा का सारा ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है आगे कहा जा रहा है कि द ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंटिन्यूअस इन नेचर विच मीन देयर कुड बी अ राइस एंड फॉल इन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट डिजायर तो इन्होंने बोला कि जो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होता है वो कंटिन्यूस नेचर का नहीं होता है कि हमेशा हम करते चले जाएं। ये गवर्नमेंट के डिजायर के ऊपर डिपेंड करता है कि कब इसे बढ़ाना है कब इसे कम करना है कब करना है कब नहीं करना है तो ये गवर्नमेंट का डिजायर है गवर्नमेंट की चॉइस है ठीक है आगे कहा जा रहा है ऑल्सो The firms can make these investments with the purpose of introducing new technology, new inventions, or increase in the demand of potential in case of an economic recession and unemployment. तो जब इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है या अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो फर्म्स हैं वो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं नई इन्वेंशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि मार्केट में पोटेंशियल डिमांड को बढ़ाया जा सके रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा हमारा टॉपिक था इसका मतलब क्या है ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन